नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विराट है और आज मैं आपको शालापतन वेटलैंड में लेकर आया हूँ। ये जो साइट है ये गुरदासपुर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जो टिबरी एक जगह है यहाँ से गुरदासपुर से लगभग 6 to 7 किलोमीटर पड़ती है और वहाँ से बहुत नज़दीक है ये साइट। तो आज हम इस साइट को थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी एक तरह का एक एग्रीकल्चरल साइट है लेकिन साथ साथ में वेटलैंड भी है। यहाँ पे पैडी ग्रो किया जाता है, इस समय यहाँ वीट काफ़ी अच्छी तादाद में लगाई गई है और साथ साथ में शुगर केन भी, गन्ना या कमाद जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग साइट है, आज हम इसको थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे। ये साइट इम्पॉर्टेंट इसलिए, क्रेन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत से कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट या जो नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने समय समय पर यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, डॉक्यूमेंट किया, उन्होंने यहाँ पे कॉमन क्रेन को ऑब्ज़र्व किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग साइट है, इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिम्बॉयसिस देखने को मिलता है फार्मर्स और वाइल्ड लाइफ के बीच में, तो इसीलिए इसको आज हम डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे। कुछ इस तरह का ट्रैक है ये, आमतौर पे यहाँ पे ट्रैक्टर्स और या जो दूसरे कार्ट्स हैं जिसपे पोनी या उसको अटैच करके लगाया गया होता है वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर करना भी इतना इजी नहीं है क्योंकि जो वाटर टेबल है वो बहुत काफ़ी हाई है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब आपको यहाँ पे कुछ ट्रीज़ जो है देखने को मिलेंगे इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप में। ये ट्रीज़ भी बहुत से बर्ड्स को नेस्टिंग साइट प्रोवाइड करते हैं और ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये फेलो लैंड है, एक तरह से छोड़ा गया है, स्टबल्स हैं ये राइस के और यहाँ पे कुछ कैटल फीड ग्रो कर रही है और यहाँ पे ये वीट को कल्टीवेट किया गया है। अब तक हमें कॉमन क्रेन नहीं स्पॉट हुई है और हम आगे बढ़ेंगे। इस ट्रैक में कुछ इसी तरह का आपको ट्रैक देखने को मिलेगा, काफ़ी वेट है, सॉयल थोड़ी मार्शी है, चलना इतना आसान नहीं है इसके ऊपर क्योंकि वाटर टेबल जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी हाई है इस एरिया में क्योंकि ब्यास का फ्लड प्लेन है ये। तो थोड़ा और आगे हम बढ़ रहे हैं, देखेंगे कि क्या हम कॉमन क्रेन को देख पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मुझे हलचल होती हुई नज़र आई है, शायद आज हमारी जो किस्मत है वो हमें धोखा ना दे तो हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अभी हमने एक पूरा जो फ्लॉक है एक देखा है, शायद ये कॉमन क्रेन ही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते। कुछ देर बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कॉमन क्रेन का एक फ्लॉक जो है स्पॉट कर लिया है और ये उसके कुछ शॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डिस्टेंस काफ़ी है, बहुत ही ये जिसे कह सकते हैं सेंसिटिव बर्ड्स हैं, थोड़ा से नॉइज़ से ये ह्यूमन प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, 200 to 250 के करीब ये यहाँ पर हैं, तो यानी इतनी आइज़ जो हैं वो हमें ऑब्ज़र्व कर रही हैं, तो केयरफुल रहना होगा। इसको कुछ देर देखने के पश्चात वो जो बर्ड्स थे वो हमारे यहाँ से चले गए, तो अब हम दूसरी तरफ बढ़े हैं और वहाँ पे दूसरे ट्रैक को अब हमने फॉलो किया है और वहाँ पे हमें ये पर्पल मूर हैन का फ्लॉक देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग साइट है, बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है और यहाँ बर्ड्स की, खासतौर पे वाटर बर्ड्स की तादाद अच्छी खासी है और क्योंकि यहाँ पे सुटेबल हैबिटेट है उनको फूड अच्छे से मिल रहा है। बहुत ही एलिगेंट बर्ड होता है पर्पल मून। इस ट्रैक पे जब हम जा रहे थे तो साथ साथ में एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है और उसके साथ साथ ये जो मस्टर्ड है वो ग्रो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो पूरा ट्रैक है नेचुरली एक तरह से देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही कूल एंड काम एनवायरनमेंट है इस एरिया का।
ह्यूमन एक्टिविटी है, लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो फार्मिंग जो है वो काफ़ी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग का केस नहीं लगता है। उसका कारण ये भी है कि एक वेटलैंड है यहाँ पे। मैंने बहुत से ऐसे प्लांटेशन भी देखी है जिसमें वो वहाँ पे पॉपुलर ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है इन इलाकों में जिससे कि इंटेंसिव फार्मिंग को रोका जा सकता है। और अब हम जैसे ही आगे बढ़े हैं तो हमने एक बहुत अच्छा फ्लॉक जो है कॉमन ग्रेन का जाते हुए देखा, तो अब हम इनको फॉलो करेंगे, ट्रैक करेंगे और देखते हैं कि क्या हम इन तक पहुंच पाएंगे। और मुझे लगता है कि हमने इन्हें ट्रेस कर लिया है और अब हम इनके थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको इनके हम कुछ शॉट्स ले सकें, इनको फिल्मा सकें। ये बहुत सेंसिटिव बर्ड्स हैं और बहुत जल्दी जो है डिटेक्ट ह्यूमन प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो बहुत केयरफुली इनको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। और जैसे ही अब हमने एक हमें एक अच्छा पॉइंट मिल गया है तो अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो बर्ड्स हैं फ्लाई करके एक सर्कल में आकर एक यहाँ पे इनका जो मेन स्टॉप ओवर है यहाँ पे ये कॉन्ग्रेगेट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं अच्छा खासा नंबर है, ये इसी तरह कॉलोनी में रहते हैं। माइग्रेशन के दौरान अक्सर इनको कॉलोनी में ही ऑब्ज़र्व किया गया है, फ्लॉक्स में ही ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये कुछ इसी तरह की वेजिटेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनको साइट करना इतना ईजी नहीं है वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो कलर है वो स्लेटी ग्रे है और क्राउन जो होता है या जो इनका हेड बेयर हेड होता है वो रेड कलर का होगा और आईज़ के तरफ से वाइट कलर का आपको एक जैसे लोअर होता है वो देखने को मिलता है। और बहुत ही ये भी एलिगेंट बर्ड है, ये भी क्रेन्स की तरह, इनमें भी ये भी मोनोगैमस बर्ड्स माने जाते हैं। और क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग साइट है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ यूरोप में है, साइबेरियन रीजन में है, तो ये पूरे यूरेशिया में पाए जाते हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या अगर हम बात करें तो इन इलाकों में ये देखे जाते हैं। और इतना लंबा डिस्टेंस तय करके ये भारतीय महाद्वीप तक पहुंचते हैं, जिसमें ये जो गुरदासपुर की जो ये साइट है यहाँ पे भी ये विज़िट करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना नंबर है। और ये इनको फूड प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे ये फोरेजिंग करते हैं, इसीलिए ये साइट इम्पॉर्टेंट है। क्रेन्स जो हैं दुनिया भर में ये लार्ज साइज बर्ड्स हैं और इनका एक अपना महत्व है और इनका जो साइटिंग है इनको देखना ही अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और देखते ही देखते कुछ समय पश्चात ये जो बर्ड्स हैं हमसे अलविदा कहते हुए चल देते हैं। और आप देख सकते हैं इनके साथ आपको ब्लैक हेड आइबिस भी देखने को मिलेंगे, अगर आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इस फ्लॉक के ऊपर एक छोटे से वाइट कलर के जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो ब्लैक हेडेड आइबिस ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है इस साइट को कवर करने की और हम फॉर्चुनेट भी रहे, लकी भी रहे कि हमने ये जो कॉमन क्रेन है उनको यहाँ आज स्पॉट किया। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।